वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो चैनल फाइनेंशियल कलेक्शन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सबके लिए और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस ये और एक ईयरिंग लेकर आ चुका हूँ। इस ईयरिंग का नाम है वाहो, ठीक है, वाहो नाम का इस ईयरिंग है। अभी मेरा बैलेंस देख सकते हैं 2,25,000 है। मैं कल ही इस ऐप में ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं विड्रो अमाउंट, हम लोग देख लेते हैं। 120 रुपये में विड्रो दिया जाता है, ठीक है। उसमें 20 रुपया चार्ज कटेगा बैंक सर्विस चार्ज, ठीक है। 20 रुपया कटेगा, उसमें 100 रुपया आप लोग को विड्रो मिलेगा। 200 का इसमें एक ही बार है अवेलेबल, एक बार कर सकते हैं विड्रो, ये भी एक बार। ये 300 वाला प्रत्येक बार कर सकते हैं, ये भी प्रत्येक बार। इसमें कोई चार्ज नहीं है, बैंक सर्विस चार्ज नहीं है, फ्री है, ठीक है। ये दोनों में, इसमें भी नहीं है, ये इसमें है 120 वाला में। कम अमाउंट कीजिएगा तो चार्ज देना होगा। प्लीज़ एड बैंक कार्ड, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कार्ड नंबर दे देना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर, और अकाउंट होल्डर नेम दे देना है, अकाउंट में जो नाम है वो IFSC कोड दे देना है, और सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे सेव करते हैं वैसे आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। उसके विड्रो लगाते हैं, इस बैंक में आप लोग को विड्रो का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो टुडे का ईयरिंग अभी देख सकते हैं आप लोग, टुडे 5 रुपये टोटल कमीशन, 5 रुपये टुडे का आज मेरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यस्टरडे कमीशन, मतलब कल का, कल हम 1 रुपया भी नहीं किए थे तो आज 5 रुपया हुआ है मेरा। और इसमें ईयरिंग कैसे करना है वो भी हम लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन इवेंट, ठीक है, इवेंट है बहुत सारा है इस प्रकार का। इन लोग को जानने के लिए डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 24 घंटा ऑनलाइन रहता है तो 18 रुपया दिया जाता है। उसके बाद फिर इधर 20x24 रहता है तो 49 रुपये दिया जाता है, मतलब इधर 20x24 हॉर्स, ठीक है, गुना कर लीजिएगा जितना होता है उतना में। उसके 45x24 दिया जाता है, 190x24 180, 150x24 270 दिया जाता है। इस प्रकार दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज 100, सेकंड प्राइज 300, थर्ड प्राइज 500, इसी प्रकार दिया जाता है, ठीक है। लेने के लिए यहाँ क्लिक करना है रैंकिंग लिस्ट पे। रैंकिंग लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा ये जो जो ओल्ड यूज़र है उन लोग का देख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट टुडे का देख सकते हैं यहाँ 717, 917, 1117, 347, इस प्रकार टुडे का ईयरिंग है, ठीक है, टुडे का ये सब है। इसी प्रकार करना है। आप लोग सोच रहे हैं हम ईयरिंग कैसे करें, तो यहाँ दिया हुआ है रेफर का, ठीक है। इनवाइट फ्रेंड, एक फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो 30 रुपये दिया जाता है, पर एक कंडीशन है, उसके बाद ही आप लोग को रेफर करने पर मिलेगा 30 रुपया, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है, आप लोग इस वाहो ऐप को व्हाट्सअप से लिंकेड करना होगा। गोशेयर में जिस प्रकार करते थे उसी प्रकार, ये गोशेयर का सेकेंड वर्जन है, ठीक है। इसमें कोई व्हाट्सअप वगैरह कुछ हैक होने का डर नहीं रहता है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत डर रहता था गोशेयर में, पर इसमें नहीं होगा, कोई भी डर नहीं है। तो यहाँ क्लिक करना है, यहाँ बीच में स्कैनर जैसा कुछ शो करेगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोग को वीडियो दिखाएगा, तो हम वीडियो दिखा देते हैं आप लोग को, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, लोडिंग हो रहा है। स्कैन बाय व्हाट्सएप, फिर से ट्राई करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, इतना इधर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है काज बोले। देख सकते हैं यहाँ सेकंड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वेट फॉर 6 सेकंड, 5, 3, 2, 1 स्टार्ट, ओपन QR कोड, ठीक है। इस प्रकार का ओपन होके यहाँ दिखेगा, पर यहाँ लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है हम लोग का, इसीलिए मेरा, मतलब हम लोग का नहीं, सिर्फ मेरा लोडिंग ले रहा है। या जैसे हो जाएगा, अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। स्कैनर खुल के आ जाएगा, उसका स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिएगा, और कोई भी आपका फ्रेंड है उसको भेज दीजिएगा स्कैनर। व्हाट्सअप पे जाना है, व्हाट्सअप पे आ जाते हैं हम, और अभी दिखा देते हैं। व्हाट्सअप पे आते हैं, व्हाट्सअप पे आने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिंकेड डिवाइस, ठीक है। यहाँ क्लिक करना है लिंकेड डिवाइस पे, क्लिक करने के बाद लिंकेड ए डिवाइस, जो स्कैनर खुला था उसमें स्कैन कर लेना है। इस प्रकार यहाँ मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, दे देना है पासवर्ड, मांगेगा पासवर्ड दे देना है, ठीक है। देने के बाद इस प्रकार ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ स्कैनर खुल के आ जाएगा, ये देख सकते हैं अभी मेरा हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार खुल के आ जाएगा, खुल के आने के बाद स्कैन कर लीजिएगा आप लोग। स्कैन करने के बाद जो आप 17 सेकंड के अंदर स्कैन करना है, 17 सेकंड के अंदर, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा QR कोड, ठीक है। आई होप कि आप लोग को जो जो हम बताएं इंफॉर्मेशन सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।